ठीक है उधर जाके आता हूँ बोल चलो बाइक कर यहाँ पे चलो थैंक यू बाइक कर लेते भाई चलो बोल बम हाँ विशाल अरे दो दो लोग पूछ रहे वाह पूछ काजल काजल पूछ क्या कुछ कहना चाहेंगे विशाल शिव का बर्थडे आज मुझे बहुत ही करीबी लगता है शिव हम लोग बहुत बार मिले बहुत जल्दी एक मराठी फिल्म भी करने वाले हैं मैं और शिव सो इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड उसका बर्थडे तो आना ही था मैं शूट कर रहा था उसने मुझे मैसेज किया मैंने बोला यार मैं जल्दी जाऊंगा लेकिन आऊंगा ज़रूर ये कल सुबह फिर शूट पे जाना तो क्या कुछ तोहफा लेकर आए आप शिव के लिए यार मैं खुद आया हूँ उससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है गले मिलूंगा उससे दिल से दिल मिलाऊंगा दैट इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट दैट ही वॉन्ट्स हम लोग मुंबई के लोग हैं यार महाराष्ट्र के लोग हैं हमारा जास्त काही लागत नाही थोड्या तर आम्ही एकदम खुश राहतो आणि मनातलं प्रेम आहे आणि मनातली दोस्ती आहे आप भी आम आदमी से जुड़े ही रहते हैं हमेशा और शिव सर भी जुड़े रहते हैं क्या कहना चाहोगे उनको लेके शायद इसीलिए मुझे वो बहुत अपना सा लगता है रियल है बहुत ही मेरी तरह बहुत ही छोटी जगह से है मतलब बहुत ही मुश्किलों से ऊपर आया है माँ से बहुत प्यार करता है तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है मेरे और उसके बीच में और जो है वो है यार छोटी सी दुनिया है हंसो खेलो उनको भी वही लगता है मुझे भी वही लगता है तो वेरी सिमिलर एक मराठी फिल्म है जो बहुत बड़ी है अमी दोगे पार्टनर जिसमें मैं और स्वप्निल जोशी है उसके अलावा एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है जो मैं कर रहा हूँ अभी तक इतना ही है ये एक बार आ जाए उसके बाद आई टेक वन स्टेप एट अ टाइम बेबी स्टेप पर अब बड़ा ही करना विशाल सर अभी एक नया गाना है मनीषा रानी के बारे में कुछ जानते हैं आप कुछ अगर आप बता सकते यार ये मतलब बहुत स्टूपिड चीज़ है लास्ट इंटरव्यू में इस विशाल ने मुझे पूछा था कि आप बिग बॉस OTT देखते हो क्या मैंने बोला मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ फिर उसने मुझसे पूछा कि एलविश यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैंने बोला यार मैं नहीं जानता बिकॉज मैं यूट्यूब फॉलो नहीं करता अब नहीं करता तो नहीं करता झूठ क्यों बोलूँ मुझ मैं बहुत ट्रोल हुआ सिर्फ ये बोलने के लिए कि मैं उन्हें नहीं जानता तो उसी तरह से मैं मनीषा रानी को भी नहीं जानता एलविश को अब जानता हूँ क्योंकि बिग बॉस OTT2 जीता है तो बिग बॉस OTT2 जीतने के बाद बिकॉज इज़ द विनर आई नो हिम बट अगर बिग बॉस के अंदर सब थे तो सभी अच्छे होंगे लास्ट इंटरव्यू में मैंने एलविश और अभिषेक को ऑल द बेस्ट बोला था फॉर बिग बॉस अभी सबको ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ सारे यूट्यूबर्स को जो बिग बॉस के अंदर थे लेट देम ऑल ग्रो लेट देम यार छोटी सी जिंदगी है सबको बढ़ना चाहिए फैंस के ट्रोलिंग से डरते हैं मैं घंटा नहीं डरता मैं किसी से नहीं डरता यार क्या फर्क पड़ता है हाथी वो चिल्ला के बोल रही हो वो ट्रोलर है हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार कोई फर्क नहीं क्या बात है नाम में ही दम है ना सर बिग बॉस बहुत ही प्यारा शो है जब जब देख सकूंगा देखूंगा आई रिस्पेक्ट द शो अलॉट मैंने कम बैक किया या ये पता नहीं कि कोविड के बाद मैं अकेला था जो अकबर बीरबल Season 2 कर रहा था उससे पहले दो बार बिग बॉस ऑफर हो चुका था जब मैं शो कर रहा था पर अकबर बीरबल चल रहा था और मैं छोड़कर चलती नहीं या मैं था मैं तो मैं डुबकी लगाना नहीं चाहता था पर कोविड के बाद अकबर बीरबल किया उसके बाद जब वक्त था तो कूद कूद कर बिग बॉस के अंदर गया वापस नहीं जा सका क्योंकि मुझे कोविड हो गया मैं दुनिया का अकेला इंसान हूँ बार बार कहा है जिसको क्वारंटीन में कोविड हुआ और वाइल्ड कार्ड मेरा रह गया बट बहुत प्यारा शो है मुझे बिग बॉस ने बहुत कुछ दिया है टू आंसर योर क्वेश्चन बिग बॉस काम नहीं देता मैडम बिग बॉस नाम देता है सो नहीं बिल्कुल खतरों की खिलाड़ी इज़ वेरी माई टाइप ऑफ शो बिल्कुल करना पसंद करूँगा अगर मैं कुछ शूट नहीं कर रहा हूँ उस बीच आ जाए तो डेफिनेटली करना पसंद करूँगा बिकॉज इट्स अ फिटनेस बेस्ड शो इट इज़ अ रियलिटी शो इट इज़ जिगर वाला शो तो बिल्कुल करूँगा बोल बम शिव
भाई भाई उसको फोटो चाहिए।